आंसर होगा, बट इसे 1 लाख में मान लो 10 लोग, 20 लोग, 100 लोगों को होगा, तो उनको डिटेक्ट करना है, छोटा ही ट्यूमर साइज में उनको डिटेक्ट करना है। जैसे किसी को लगा छोटा सा गांठ है बोल के, तो हमको हमारा एम ये है कि वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, आप समझ रहे हैं। या पैप स्मेयर में भी वगैरह कुछ रहा, जैसे आपको पता होगा सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ वैक्सीन भी देते हैं, जैसे उनका मैरिज होने के पहले वैक्सीन देना चाहिए, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट 100% सर्विस कैंसर नहीं होता है, तो वो भी आपको सोसाइटी में बताना है। जैसे आपने को पता है वैक्सीन जैसा हर चीज के लिए होता है, हेपेटाइटिस बी के लिए, बच्चों पर डीपीटी बीसीजी वैक्सीन जैसे बच्चों को अपन देते हैं, तो वैसे ही वैक्सीन कैंसर के लिए भी है, तो वो वैक्सीन सर्विस कैंसर का वैक्सीन, तो वो भी सोसाइटी में आपको बताना है। तो आप जैसे सोसाइटी में जाते हो तो आपके ऊपर भी फेज होता है, ठीक, सब चीज़ फेज पे ही चलती है, बराबर है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये बेसिक नॉलेज रहना, आप समझ गए। तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फिर माउथ कैंसर भी, जैसे अगर कोई पेशेंट लोग तंबाकू खाता है या कोई वो खाता है, तो उसमें आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि भाई उनको टोबैको का हार्म इफेक्ट क्या है, कि जिससे कैंसर हो सकता है। और ऐसा नहीं माउथ कैंसर ही होगा, ऐसा नहीं, माउथ के बॉडी में भी इफेक्ट होता है टोबैको का, जो तंबाकू सेवन करता है ना उसकी वजह से बाकी इफेक्ट होता है। तो आपको सोसाइटी में बताना है, जैसे कभी मुँह में सफेद छाला होगा या अल्सर होगा या कभी कभी ब्लीडिंग रह रहा है, किसी का वजन कम हो रहा है, तो आपको कैंसर सोसाइटी का मेन एम जो है कि भाई कैंसर प्रिवेंशन है, वो एम के हिसाब से आपको पता रहना जरूरी है कि किसी को कुछ सिम्टम्स रहे, जैसे किसी का वेट लॉस 3 हफ्ते से ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, किसी को माउथ में अल्सर है, या किधर से खून बह रहा है मुँह से, नाक से, संडास की जगह से, खांसी से, या किसी को गांठ आई है, तो वो ब्रेस्ट में हो सकती है, पेट में हो सकती है, किधर भी हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब सोसाइटी में कहाँ पर भी जा रहे हो, तो वैसा पेशेंट अपना यहाँ कैंसर सोसाइटी में आके उनको यहाँ पे लाए, फिर यहाँ से जो तो पेशेंट टॉपर, जैसे हम कैंसर सर्जरी डाटा हॉस्पिटल से, तो हमारे पास आएगा, हम दिखाए। तो एम यही है हमारा सबका कि भाई कैंसर को जितना जल्दी से जल्दी हम पकड़ सके।